पीएम मोदी की गारंटी पूरी करने एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में भी आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदियां बनेंगे और सरकार ने बनाई है 17 सदस्यों की कमेटी। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के एसीएस इसके अध्यक्ष होंगे। तो पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए एमपी सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में भी आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदियां बनाई जाएंगी। सरकार ने बनाई है 17 सदस्य की कमेटी। इसको लेकर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के एसीएस इसके अध्यक्ष रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव हमारे साथ। निश्चित तौर पर विवेक, पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए एमपी सरकार का बड़ा अहम फैसला हम कह सकते हैं इसको? बिल्कुल सही बात है सुमित। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो समूह है, जो स्वयं सहायता समूह है, वो लगातार बढ़त कर रहे हैं। हजार की संख्या में उनकी आमदनी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं इन दीदियों को लखपति बनाऊंगा और ठीक इसी योजना के तहत आजीविका मिशन ने एक कमेटी बनाई है जिसमें ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के एसीएस अध्यक्ष रहेंगे और तमाम सारे विभागों के करीब 17 अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। और सरकार के सामने चुनौती है कि जो महिलाएं हजारों कमा रही हैं उनको लाखों कमाने का मौका मिला दिया जाए और इसके लिए सरकार की तरफ से उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए। विवेक, आधी आबादी पर नारी शक्ति पर सरकार का खासा फोकस रहता है, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना और अब लखपति दीदी योजना को लेकर सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही बात है, लाडली लक्ष्मी से शुरुआत की थी मध्य प्रदेश की सरकार ने और लाडली बहना और उसके बाद तमाम सारी शिक्षा गुणवत्ता से लेकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तक के लिए सरकार ने काम किया है। ठीक उसी दिशा में ये लखपति दीदी योजना को भी मध्य प्रदेश सरकार इंप्लीमेंट करना चाह रही है और इसी के लिए कमेटी सामान्य प्रशासन विभाग ने बनाई है। और दिलचस्प ये है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वो हर महीने कमेटी के जो सदस्य हैं वो जाके लाडली जो तमाम महिलाएँ हैं लखपति दीदी बनाने की योजना में जो सहायता स्वसहायता समूह हैं उनसे चर्चा करें और चर्चा करने के बाद क्या कठिनाई आ रही है उस पर चर्चा की जाए, क्योंकि पहले माइक्रो लेवल पे ये काम करती थी, अब इसे मेजर लेवल पे काम कराने की जो व्यवस्था है उसे इम्प्लीमेंटेशन कराना है आजीविका मिशन के जरिए। तो ऐसे में जब मेजर रूप में काम करेंगी तो कहाँ चुनौती आ रही है इसका पूरा जो अवलोकन है वो अधिकारियों के जरिए किया जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका विवेक जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वही नक्सलियों के खिलाफ अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान चलाया है। बीते 2 दिनों से जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। 7 से 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, आधिकारिक पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं हुई। डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी के जवान इसमें शामिल हैं। ऑपरेशन में नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर और दंतेवाड़ा जिले के जवान शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, नक्सलियों पर प्रहार लगातार जारी। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान देखने को मिला। बीते 2 दिनों से जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताएंगे क्या कुछ अपडेट है मुठभेड़ को लेकर। संजय, इस बड़ी कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट आपके पास? बताया जाता है कि 7 से 8 नक्सलियों को मार गिराया है जवानों ने, एक बड़ी सफलता हम कहेंगे सुरक्षा बलों के लिए। देखिए, जैसे जिला मुख्यालय होते हैं ना, वैसी नक्सलियों का अभूझमाड़ इलाका जो है वहाँ का मुख्यालय था नक्सलियों का कुतुल इलाका। उस कुतुल इलाके में जवानों ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया है। 4 जिलों के 800 से अधिक जवानों ने नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ कुतुल में पिछले 48 घंटों से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें 8 से 9 बार नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ हुई है। जो बड़ी अपडेट आ रही वो ये है कि इस मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, यहाँ से जानकारियाँ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो जवान अभी हैं वो सिर्फ सैटेलाइट फ़ोन के द्वारा ही अपने अधिकारियों से संपर्क कर पा रहे हैं और अभी भी जवान नक्सलियों के कोर इलाके में हैं। तो फिलहाल जो जानकारी है कि जवानों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, 8 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हो पाई है जब तक जवान सुरक्षित। और संजय, अगर हम एंटी नक्सल ऑपरेशन की बात करें, जब आपको याद होगा जब अमित शाह चुनाव के दौरान पहुंचे हुए थे, कहा था कि 2 साल के अंदर नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा छत्तीसगढ़ से, और जब से बीजेपी सरकार बनी है प्रदेश में तब से हम लगातार देख रहे हैं कि जो नक्सली हैं वो बैकफुट पर लगातार आ रहे हैं।
देखिए सरकार फिलहाल दो मोर्चों पर लड़ रही है। एक तरफ तो नक्सलियों के आधार इलाकों में लगातार नए कैंप खोले जा रहे हैं, साथ ही बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जहां नक्सलियों के सबसे मजबूत सुरक्षित गढ़ जो थे वहां फोर्स जारी है। और इसका नतीजा ये है कि पिछले 5 महीने में 120 से ज़्यादा नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया है। वहीं दूसरी ओर सरकार सीधे तौर पर नक्सलियों से कह रही है कि आप समर्पण करिए, आप पुनर्वास नीति का फायदा लीजिए, आप वापिस आइए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप खुद बताइए कि आप जब वापिस आते हैं तो आपको क्या कुछ सुविधाएं चाहिए। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। और नक्सलियों को संदेश बहुत ही साफ है सरकार का कि अगर आप समर्पण नहीं करते हैं तो इसी तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे, आप जंगलों के अंदर मरते रहेंगे। बिल्कुल, तो सरकार ने साफ संदेश दिया है कि वापिस आइए, पुनर्वास नीति का फायदा लीजिए, या फिर आप जंगलों के अंदर रहिए और इस तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे। बिल्कुल, सरकार का साफ संदेश है सरेंडर करो, नहीं तो ऐसे ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। और 5 महीने में 120 नक्सलियों को मार गिराया है, एक बड़ी बात है संजय, बहुत धन्यवाद आपका। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन पहुंचे हैं और सीएम उज्जैन में गंगा जल संवर्धन अभियान समेत कई कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव रामघाट में शिप्रा परिक्रमा यात्रा में शामिल होंगे। सीएम भैरवगढ़ खोली जेल का लोकार्पण भी करेंगे और दोपहर करीब 3:30 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से ग्वालियर पहुंचेंगे जहां सागर ताल में जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होंगे और सीएम यहाँ पर विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी करेंगे। शाम को 6:30 बजे ग्वालियर में ही सीएम क्रिकेट से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एमपीएल की शुरुआत आज होने जा रही है महा सिंधिया के नेतृत्व में और इस कार्यक्रम का हिस्सा भी होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, उज्जैन पहुंचे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत यहां पर किया था और इसी के साथ ही सीएम ने पौधारोपण भी यहां पर किया और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शिप्रा नदी के तट पर पहुंचे और शिप्रा नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना भी वहां उन्होंने की थी। विस्तार न्यूज के संवाददाता संतोष कृष्णानी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत की थी, क्या कुछ कह रहे थे वो सुनिए आप। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले यहाँ पर जल गंगा मिशन के तहत उन्होंने सभी को प्रेरणा भी दी, जल को कैसे बचाए सर, आज पर्यावरण को बचाने के लिए भी संदेश दिया। निश्चित रूप से हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है, कल गंगा दशमी भी उसको निमित्त बनाकर पूरे प्रदेश में हमने 55 जिलों के सभी तहसील ब्लॉक में ये आयोजन किया जा रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई। सर पर्यावरण को बचाना है, पेड़ लगाना है, कहीं ना कहीं संकल्प लेना चाहिए सभी को कि अपने जन्म। बिल्कुल, डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहला जो संदेश दिया है कि जल को हम कैसे बचाएं, जल बचेगा तो हम बचेंगे। मध्य प्रदेश की नई सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस दौरान सरकार ने कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की जिसकी वजह से पूरे देश में प्रदेश का डंका बजा है। हालांकि इन 180 दिनों में नई सरकार के सामने कई चुनौतियां भी आई हैं। वहीं लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नई सरकार एक बार फिर से काम में जुट गई है। मोहन यादव की सरकार के हाल ही में 180 दिन पूरे हुए हैं। इन 6 महीनों में प्रदेश की तस्वीर तो बदली ही है। उज्जैन में तेजी से विकास का पहिया दौड़ रहा है और शहर की पहचान धार्मिक नगरी के साथ अब आर्थिक नगरी के तौर पर भी होने लगी है। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि एमपी में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीता तो मोहन यादव प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के फैसले ने सबको चौंका दिया, लेकिन अपने फैसलों और विकास की योजनाओं के कारण मोहन यादव पूरे देश में लोकप्रिय हो गए। बतौर मुख्यमंत्री 180 दिन में उन्होंने प्रदेश में कई इतिहास गढ़कर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया। प्रदेश के साथ ही उज्जैन का बेटा होने का फर्ज भी निभाया। विदेश में विकास की रफ्तार तेज हुई तो उज्जैन में चहुओर विकास की बयार चलने लगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार उज्जैन में बहुत सारी गतिविधियां उनके मुख्यमंत्री बनने के पश्चात प्रारंभ की गई हैं, जिसमें विशेष तौर पर सबसे पहले इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था जो कि पहली बार उज्जैन में आयोजित हुआ। इसके अलावा व्यापार मेला जो कि जिसमें कि जो बिक्री हुई वो ग्वालियर व्यापार मेले से भी ज़्यादा हुई और लोगों ने बहुत अधिक उसमें लाभ लिया और व्यापार को भी बढ़ावा मिला। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन से वो फैसले हैं जो उन्होंने उज्जैन को लेकर किए और उज्जैन की तस्वीर बदल गई। उज्जैन में इन्वेस्टर्स समिट हुई, 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए, धार्मिक नगरी के साथ आर्थिक नगरी के तौर पर उज्जैन को पहचान मिली, खुले में मांस बेचने वालों पर पाबंदी लगाई गई,
तो वहीं धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर भी हटा दिए गए। उज्जैन में 40 दिन का व्यापार मेला का आयोजन किया गया। सरकार को करोड़ों के राजस्व का फायदा हुआ। शहर की सड़कों का चौड़ीकरण तेजी से हुआ। हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों ने धार्मिक स्थल हटाए। शहर ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। श्रद्धालुओं के लिए हवाई यात्रा की सुविधा की शुरुआत की गई, तो वहीं सिंहस्थ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने का फैसला लिया गया। गंदे नालों का पानी शिप्रा में रोकने की कवायद की गई। डायवर्जन को लेकर अब भी काम चल रहा है। किर्गिस्तान में फंसे उज्जैन के बच्चों की सही सलामती वापसी हुई। उज्जैन के विकास के लिए शहर के लोग अपने लाडले नेता की तारीफ कर रहे हैं, तो संत समाज उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दे रहा है। हम उज्जैन में सोच भी नहीं सकते थे कि इन्वेस्टमेंट होगी, इतने उद्योगपति आएंगे पूरे देश से विदेश से, और वो मीट बहुत सफल भी रही, क्योंकि उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ पर कार्य हो रहे हैं उद्योगों से संबंधित, वो एक तरह से अभूतपूर्व हैं। ये ऐसा मेला जो पहले हम सोचा करते थे कि ग्वालियर मेले की छूट लेंगे, हमको उज्जैन में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको ये मौका मिला और हमने छूट का लाभ उठाया, और इस मेले में करोड़ों रुपये का व्यापार हुआ है, जिससे कि उज्जैन की अर्थव्यवस्था में कि विकास में पंख लगे हैं नए, तो काफ़ी फायदा हुआ है उज्जैन के व्यापारियों को। देखिए, आज मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव को अपना कार्यकाल पूरा किए हुए 180 दिन हो गए। पहले के उज्जैन और अब के उज्जैन में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद और फर्क आया है, और प्रोग्रेस हुई है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब 180 दिन पूरे हुए, वो तो अब हुए पूरे, उसके दो चार दिन पहले उन्होंने यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो खुले मांस मदिरा बिकते थे, खुले में लाउंड स्पीकर चलते थे, वो उन्होंने सब बंद करवाए, बंद करवा के वो जगह सुरक्षित करी और साफ करवाई उस जगह को। तो देखा जाए तो एक हिसाब से बहुत अच्छा कार्य करे और बहुत अच्छा काम करे, और उनके ऊपर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर और हमारा आशीर्वाद है डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए, और नाथ संप्रदाय के लिए तो विशेष है, और पूरे साधु संत उज्जैन के लिए मेरी तरफ से आशीर्वाद उनके लिए जी। महाकाल की कृपा और सीएम मोहन यादव की मजबूत इच्छा शक्ति से उज्जैन विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहा है। विस्तार न्यूज के लिए उज्जैन से संतोष कृष्णानी की रिपोर्ट। बीजेपी दफ्तर में 17 जून को जश्न की तैयारी जोरों पर है। दरअसल 17 जून को मध्य प्रदेश के सभी 6 केंद्रीय मंत्री भोपाल बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके जोरदार स्वागत की तैयारी की जा रही है। साथ ही इस दौरान सभी केंद्रीय मंत्री बीजेपी संगठन की बैठक के साथ ही कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे, और इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर के साथ ही एल मुर्गन भोपाल बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। वहीं बाजार से लोन ले सकता है मध्य प्रदेश। आरबीआई ने बाजार से लोन लेने की अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों के हिस्से में मिले 10,900 करोड़ रुपए, प्रदेश की सरकार का है 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। प्रदेश की सरकार पर 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कांग्रेस ने सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग की है कर्ज लेने को लेकर। अब मार्केट से भी मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज लेने की तैयारी में है, और आरबीआई ने बाजार से लोन लेने की अनुमति दे दी है। उधर कांकेर में एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। करदा घाट में रेत का अवैध उत्खनन जारी है। सूचना के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। चरामा क्षेत्र के हाराडुला का ये मामला बताया जा रहा है, हाराडुला गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन का, रेत के अवैध खनन का जो खेल है, काला कारोबार है, वो लगातार जारी है। खरदा घाट में रेत का अवैध उत्खनन होता है। सूचना के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। चरामा क्षेत्र के हाराडुला गांव का मामला। वहीं रीवा में शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला, 14 आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। वर्ग 1, 2 और 3 की भर्ती में गड़बड़ियां हुई थी। लोक आयुक्त ने बनाए थे 19 आरोपी, 4 आरोपी की मौत हो चुकी है, 1 आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं 14 आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। वर्ग 1, 2 और 3 की भर्तियों में गड़बड़ियों का ये मामला है। लोकायुक्त ने 19 आरोपी बनाए थे, जिनमें से 4 की जान चली गई है, 4 की मौत हो गई है, वहीं 1 आरोपी को बरी कर दिया।
डिडौरी में बिजली की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया परेशान होकर, जिससे शहडोल पंडरिया स्टेट हाईवे पर आवागमन बाधित हो गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और ग्रामीणों को समझाने में जुट जाती है। बता दें कि बीते दिनों पहले आग लगने से ट्रांसफार्मर जलकर बर्बाद हो गया था, जिसके बाद से 3 दर्जन गाँव बिजली संकट से जूझ रहे हैं। श्योपुर नगर पालिका में अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में इस्तीफा देने वाले पार्षदों में फूट दिखाई देने लगी है, जहां कुछ पार्षदों ने यू टर्न ले लिया। और इस बीच शहर के वार्ड नंबर 17 से महिला पार्षद का कहना है कि मुझसे धोखे से इस्तीफे पर साइन करवा लिए गए। तो खबर श्योपुर से है ये, जहां नगर पालिका में अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में इस्तीफा देने वाले पार्षदों में अब फूट दिखाई देने लगी है। कुछ पार्षदों ने यू टर्न ले लिया है और इस बीच शहर के वार्ड नंबर 17 से महिला पार्षद का कहना है कि उनसे धोखे से इस्तीफे पर साइन करवाए गए।